हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन में यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने लिखा है। देखिए इसमें दो लूप है, एक इनर लूप है और एक आउटर लूप है, दो लूप लगाए गए हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये दो से लेके तीन तक, यानी दो के बाद तीन प्रिंट करेगा, बस यहीं तक ये चलेगा। ये क्या होगा, एक से लेके दस तक चलेगा, और ये दो से तीन तक चलेगा तो होगा क्या, और ये एक से दस तक प्रिंट करेगा तो होगा क्या। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर कंडीशन दी गई है आई की वैल्यू, यानी आई की वैल्यू ये है दो है और तीन है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का यानी स्टार का सिंबल है, और जे को भी प्रिंट करवाया गया, यानी आई की वैल्यू दो और तीन और जे की सारी वैल्यू प्रिंट होगी, और बराबर आई और जे को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और वही रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। तो एक बार इसको चलाते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए ये हमें मिलेगा दो गुणे एक, दो गुणे दो, दो गुणे तीन, ऐसे करके ये चलेगा, फिर चार का भी करेगा ये, सॉरी तीन का। तो यहाँ पे इसको चलाते एक बार देखते हैं क्या होता है। तो ये इस तरीके से चलाया हमने, और सबसे पहले तो इसको सेव करना होगा, तो किसी भी नाम से इसको सेव कर लेते हैं, .py पाइथन के फाइल के एक्सटेंशन होती है ये लगा करके, और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो का पहले मल्टीप्लाई करते हुए दो का टेबल बन रहा है, और फिर थ्री का मल्टीप्लाई करते हुए थ्री का टेबल बन रहा है, जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाहे तो आप और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर दो और चार दिया गया है, अगर मैं यहाँ पर दो और छह कर दूं, दो से लेके छह तक, यानी दो से लेके पांच तक ये टेबल्स को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर एक बार इसको चलाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले दो का टेबल, फिर थ्री का टेबल, फिर फोर का टेबल और फिर फाइव का टेबल, ये अपने आप प्रिंट करके हमें दे रहा है। ये बड़ा आसान है, देख लीजिए एक बार लॉजिक देख लीजिए, ये लॉजिक जो लगाया गया है, एक आउटर लूप लगाया गया है, एक इनर लूप लगाया गया, और इसके माध्यम से ये किया गया है।